नमस्कार साथियों, तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज बारिश का सा मौसम हो रहा है और मैं अपना वही कुछ नया करने जा रहा हूं, तो सोचा आप लोगों को भी साथ ले लूं और आप लोगों को भी बता दूं। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये महुआ का पेड़ है और मैं अक्सर इसकी बातें करता हूं। ये हमारे सुखदेव पार्क में एक ही पेड़ है और ये वसुंधरा में मैंने एक ही पेड़ देखा है। तो आइए आज मैं क्या करूँगा इसके बारे में आपको बताता हूँ और चलिए मेरी वीडियो में। ये देखिए, ये मेरा सुखदेव पार्क है। सुखदेव पार्क का नज़ारा देखिए, हरा भरा पूरा चारों तरफ से। मैंने बहुत से पेड़ इसमें लगा रखे हैं और आज मैं आपको जो दिखाने आया हूँ, ये देखिए, ये महुआ का पेड़ है, ये वाला। ये जो है ये मैंने एक ही पेड़ देखा है और अब इसके फल जो है टूट टूट के गिरने लगे हैं, तो वो मैं इकट्ठे करूँगा उसके बीज, फिर आपको दिखाऊँगा। तो देखिए, ये देखिए, ये इसके महुआ के इस टाइप के बीज होते हैं और ये मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, बहुत सारे पड़े हुए हैं और ये मैं ये देखिए, ये इस टाइप का खोल होता है जिसे गिलहरियां बहुत अच्छे से खाती हैं और उसके बाद उसके अंदर ये गिलहरियां खा जाते हैं, उसके बाद ये बीज बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत सारे बीज हैं, ये मैं इन्हें इकट्ठा कर ले रहा हूँ। ये देखिए, इकट्ठे किए हैं मैंने इतने सारे बीज। ये देखिए, ये कम से कम 30-40 बीज होंगे और अभी इस महुआ के पेड़ से काफी सारे अभी गिरने वाले भी हैं। तो ये जो है, आइए इनके बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। तो मैंने कम से कम 30-40 बीज अभी इकट्ठे कर लिए हैं महुआ के और ये जो है इसमें अप्रैल मई से फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं महुआ के पेड़ पे और इसका फल पहले आता है और ये बीज जो है एक हरे से खोल में होते हैं जो पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं और गिलहरियां उनको खाती हैं, तो उसके बाद ये निकलते हैं बीज। इनको गिलहरियां नहीं खाती हैं लेकिन ये जो है रोपित करने के काम में आते हैं। तो मैंने ये इकट्ठे कर लिए हैं, अब इनकी पौध में तैयार करूंगा और उसके बाद इनको पार्कों में, ग्रीन बेल्ट में और जहाँ जहाँ संभव होगा मैं इनको लगा दूंगा। तो ये बहुत अच्छा पेड़ होता है, इससे जो है इसके बीजों से वो जो तेल निकलता है उसको हम एज ए मतलब उसे गाड़ियाँ और हर तरह के काम हो सकते हैं चलाने के। तो ये इसके बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी महुआ की आपने देखा होगा कि शराब भी बनती है, आपको बिहार और झारखंड में इसके लोग बाग बहुत शौकीन हैं इस शराब को पीने में। तो अभी तो ये जो है जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसके ये बीज जो है गिरते हैं, तो इनको उसी टाइम उठा लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी रोपित होते हैं। देखिए, किसी किसी में जो है जड़ें बननी शुरू हो गई हैं, तो इसको उसी टाइम उठा लीजिए और इनकी जो है पौध तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने काम कर लिया है, अब इनकी पौध मैं तैसे तैयार करूँगा, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, तो आप देखते रहिए। आपको मैं इसके फल मतलब जो लगे हुए हैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, साफ तो नहीं आएगा, काफ़ी कैमरा धुंधला हो जाता है। तो अभी बहुत से फल लगे हुए हैं, वो अभी अप्रैल मतलब अगस्त के सेकेंड वीक पर आते आते जो है काफ़ी सारे और गिरेंगे। तो मैं इनको इकट्ठा कर लूँगा और अब इनको मैं जो है रोपित करके भी आपको दिखाऊंगा। तो आशा है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है
तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।